गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये जो प्लांट देख रहे हैं इसको आप शायद पहचान ही गए होंगे। ये प्लांट जो है एक हर्बल प्लांट है और ये मेरे घर में खड़ा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। और वैसे ये फॉरेस्ट एरिया में भी आपको जो अनयूज्ड ज़मीन है, जो जिस ज़मीन का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, उसमें कई बार आपको देखने को मिल जाता है। और वैसे इसका आजकल कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, काफ़ी एग्रीकल्चर में इसको यूज कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका आयुर्वेद में बहुत सारा यूज़ है और अब भी अपन काफ़ी यूज़ इसका करते हैं और करना चाहिए। ये अरंड का तेल है, अरंड का जो प्लांट होता है वो है। कई एरिया में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, राजस्थान में इसको अरंडी के नाम से भी जानते हैं। वैसे अरंडी ये थोड़ा सा इसमें चेंज होगा जगह जगह पर देखने से, बट ये प्लांट को आप देख के पहचान सकते हैं। ये मेरे घर पर काफ़ी बड़ा प्लांट इसका खड़ा है, इसलिए मैं सोचा आज आपको इसके बारे में बताया जाए। ये मैंने कहीं बाहर खड़ा था, उसको ला के लगाया, अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो आज मैं एक और प्लांट है जो मुझे मिला है, उसको मैं इसी एरिया में भी लगाने वाला हूँ। ये जो एरिया है मेरा, ये एक्सपेरिमेंट एरिया है, इसी में जितने भी प्लांट रहते हैं एक्स्ट्रा, जैसे पपीता मैंने लगाया था, एक पपीता उधर आप देख सकते हैं, वहाँ पर है एक, यहाँ पर भी है। ये बाहर से निकाल के मैंने कहीं और से इधर लगाया है। तो आज अपन अरंडी पर बात करेंगे, एक आयुर्वेदिक प्लांट है। इसके जब आपके कहीं भी दर्द होता है, घुटनों में या कहीं पे आपके नी में या कोहनी में कहीं पे दर्द रहता है जॉइंट्स में, तो इसके पत्ते किसी भी ऑयल के साथ या थोड़ा हल्का गर्म करके लगाने से वो दर्द कम होता है। तो और जैसे अपने धतूरे के पत्तों को यूज़ करते हैं, वैसे ही इसका पत्ते भी हैं। और इसके जो पत्ते हैं वो एक अम्ब्रेला टाइप के होते हैं, आप देखने से आपको लगेगा। और ये जो टहनियाँ होती हैं ये थोड़ी रेडिश कलर की होती हैं। और मैं आपको इसके बीज भी दिखाऊंगा कि कैसे इसके जो फली आएंगे वो कैसी आएंगे। और इसके अलावा इसका स्किन, इसका जो ऑयल रहता है कस्टर ऑयल के नाम से आप मार्केट से ख़रीदते हैं, वो इसी का ऑयल रहता है। और उसको आप जब ख़रीदते हैं वो आपके स्पेशली स्किन के लिए अच्छा रहता है। जैसे कुछ काले धब्बे हैं तो उनको मालिश करने से वो धीरे धीरे चला जाता है। और दूसरा, इसमें इसके जो बीज मतलब इसके पत्ते भी आपको बता दिए गए हैं, पत्तों का यूज़ है दर्द निवारक के रूप में है। यदि आपको पीलिया होता है या फिर दूसरे जैसे गांठ हो जाती है आपके शरीर में, तो उस टाइम इसको पानी के साथ बॉईल करके इसको यूज़ करने से इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये देखिए, इसमें नई लीफ भी आ रही है, ये मैं आपको दिखाना भूल गया था। ये देखिए कितना शानदार प्लांट है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें कोई कांटे या कुछ भी नहीं होता और ये ईजिली ग्रोथ हो जाता है किसी भी एरिया में। बस थोड़ा इसका केयर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप उगा सकते हैं इसको। मैंने इसीलिए एक प्लांट यहाँ पे ग्रोथ किया था, बाहर से लगाया था इसको लाके। आज एक और प्लांट मैं लगाने वाला हूँ। और यदि आपके शरीर में कहीं पे गांठ हो जाती है तो भी इसका ऑयल यूज करने से और इसको पानी के साथ बॉयल करके उसको लेने से, जो गाढ़ा बनता है उसको लेने से इसके काफ़ी बेनिफिट, इसको हेल्थ बेनिफिट हैं। तो आइए चलते हैं, आज इसका एक प्लांट मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ। एक दूसरा प्लांट है मेरे पास, उसको आज मैं इसी मेरी गैलरी में, जो जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए लगा रखे हैं, उसमें लगाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको इसकी बीज दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं। इसमें एक्चुअली ऐसे टाइप के आपको फली या जो पॉड्स बोलते हैं वो आती हैं, ये आती हैं। इसमें ऐसे बाहर आपको ऐसे कांटे जैसे लेते हैं, पर ये कांटे नहीं है, एक्चुअली बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। धतूरा भी आपने देखा होगा, तो धतूरे में भी ऐसे रहते हैं, तो वो वाली चीज़ है। और इसके अंदर से फली टाइप की निकलती है, बीज निकलते हैं, उनका तेल निकलता है जिसको अपन कस्टर ऑयल के नाम से जानते हैं, और आपको मार्केट में ये तो मिलता ही है। और ये चीज़ है, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। तो आज एक और प्लांट है, उसको मैं यहीं पे इसी एरिया में ला के ग्रोथ करने वाला हूँ। ये किसी बाहर मेरे यहाँ पर ग्राउंड है, उसमें से तोड़ के लेके आया हूँ। वैसे आजकल इसका एग्रीकल्चर भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक ऑयल है और इसका बहुत ही बेनिफिट है। तो मैं इसको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बनाया है वीडियो, इसका मेरा बोनसाई से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। चलो वो प्लांट में आप हंट करके लाते हैं और यहाँ पे लगाएंगे। ये प्लांट है जो एक्चुअली मेरे आंवले के पेड़ के पास में खड़ा है, इसको मैं हंट करके उधर ही लगाना चाह रहा हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम ये शायद रूट्स के अंदर है, देखते हैं निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, कोशिश करते हैं। और निकल जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वहाँ पर लगाएंगे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये एक या दो प्लांट से इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा, हाँ इसके बट फिर भी इसके पत्ते काम ले सकते हैं। तो इसके पत्ते बहुत ही यूज़फुल हैं, पीलिया में या फिर ये दर्द निवारक भी है।
और आजकल इसको ब्रेस्ट में या कहीं पे आपके गांठ हो गई तो उसमें भी ये इसका काफ़ी यूज़ बताया गया है। तो दोस्तों इसको हैंड करता हूँ, फिर आपका वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो चलो मैंने दोस्तों इसको निकाल लिया है, बट ये थोड़ा सा इसकी रूट बॉल टूट गई है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी कोशिश करेंगे इसको निकालने की। ये अपने इसको निकाल लिया है, अब इसको ले जाके वहाँ लगाते हैं। गोपाल ले क्या उसको। तो ये प्लांट मैंने निकाल लिया है, मुझे थोड़ा सा मुश्किल है इसकी कि रूट बॉल टूट गई है। जब पीलिया ज़्यादा फैल जाता है या फिर आपको दर्द वर्द होता है तो इसके पत्ते बहुत काम आते हैं, इसलिए मैं इनको अपने एरिया में लगा के रखना चाहता हूँ। एक्चुअली वो आंवला के रूट में ये था, इसलिए इसका रूट बॉल टूट गया, नहीं तो इसका रूट बॉल लेके आते तो कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा साइड में खोल ले। तो ये खड्डा लगभग तैयार हो गया है, इसमें मैं इसको रीप्लांट करने वाले हैं आज, जो भी रहेगा, नहीं तो ऑलरेडी प्लांट मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो ये प्लांट लगा दिया है, मिट्टी में लगा दो इसको, थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा हल्का हल्का दबाओ। दोस्तों अपने लगा दिया है प्लांट, अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। ऐसे ही मेरा बड़ा प्लांट भी मैंने कहीं बाहर से निकाल के लगाया था, जो आज काफ़ी ग्रोथ कर चुका है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरा ये अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये फ्री है, और मैं आपको ऐसी एडवाइस करता रहूँगा प्लांट और इनके बारे में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।